हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट समथिंग में। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं सीएचएसएल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जन्म दर में अचानक कमी के कारण डैश होगी, क्या होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी निवेश आकर्षित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरसंचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, नवसारी ताम्र पत्र शिलालेख। ठीक है, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदू कुश। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर वन, हमारा आंसर हो जाएगा उपसौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है लाहीचिंग, तीसरा ऑप्शन है पिग्मेलियन। तो हमारा तीनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास प्रबल दोस्ती जो नवंबर 2017 में किया गया डैश के बीच आयोजित किया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो हमारा श्रीलंका की जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो सबको पता है ऑप्शन नंबर ए, रेशम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन ये रहे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, अधातुओं के ऑक्सीडेंस अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ का। अगला क्वेश्चन है, जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करने के लिए करते हैं, इन उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक तीन कार्बन वाले अणु डैश में खंडन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइरूवेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, विद्युत कनेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त भारत की ओर से देश में ही विकसित प्राप्त टीका है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रोटावेक। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधकों का प्रभावित प्रतिरोध ओम में क्या है? तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा डैश मीटर पर सेकंड में बताना है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15/5/18। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परतें होती हैं, तो किसकी परतें होती हैं? वो वसा की परतें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट फॉन्ट शैली आकार फॉन्ट की फॉन्ट का रंग आदि डैश के विकल्प होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।